will, Miss Pussy. It's exactly what I had in mind. And I... Take him to the slaughterhouse, boys! अगर बिना गलती के भी किसी निर्दोष को मार दिया जाए तो क्या बदला लेने के लिए वो फिर से वापस आ सकता है? क्या मौत के बाद की लाइफ मुमकिन है? ये आज की इस कहानी में आपको पता चलेगा। मूवी की शुरुआत होती है एक प्रोफेसर से जो कि अमेरिकन सिविल वॉर के ऊपर स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, लेकिन स्टूडेंट उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। एक स्टूडेंट तो यहाँ पर उस प्रोफेसर के कंप्यूटर को हैक करके गलत तरीके के पिक्चर्स को डिस्प्ले कर रहा था। उसी समय फिर क्लास के खत्म होने की बेल बजती है और टीचर उन स्टूडेंट को कोई सजा नहीं दे पाता है। उनमें से तीन स्टूडेंट कोरी, नेल्सन और एंडरसन को उनकी स्प्रिंग की छुट्टियों से पहले हिस्ट्री रिपोर्ट सबमिट करने को कहता है, नहीं तो उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद में तीनों अपनी छुट्टियां मनाने के लिए डिटोनो बीच की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। वे लोग कार रोकते हैं और तभी एक आदमी उनसे लिफ्ट मांगता है, लेकिन वे लोग उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद में वे लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहां पर एक और कार आकर रुकती है जिसमें रिकी, कैट और जॉय नाम के तीन दोस्त थे और वे सभी भी डिटोना बीच पर जा रहे थे। नेल्सन उनके पास आकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है और वो जॉय को अपना फोन नंबर ऑफर करता है। तब जॉय फोन नंबर को उसकी बॉडी पर लिख देने को कहती है, लेकिन नेल्सन नर्वस हो जाता है और तब एंडरसन वहां पर आकर जॉय की बॉडी पर खुद ही नंबर को लिख देता है। जॉय कॉल बैक करने का वादा करके अपना रास्ते आगे चली जाती है और कुछ समय के बाद में नेल्सन को सपना आता है कि कोई मैनियक यानी कि कोई पागल उन पर अटैक कर रहा है। वो डरकर अपनी नींद से उठता है कि क्या पता यही सपना आने वाली मुसीबत का संकेत हो। एंडरसन उसे शांत करता है और वे सभी ये नोटिस करते हैं कि डेटोना बीच के लिए वे सभी अपना रास्ता भटक चुके हैं। तब वे लोग एक शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आगे वे लोग प्रेजेंट वैली नाम के एक गाँव तक पहुँचते हैं और उस समय उस गाँव में एक सेरेमनी हो रही थी जिसका नाम था गर्ट्स एंड गुरी। टाउन के मेयर बकमैन आकर उनका वेलकम करता है और उसी समय वहां पर रिकी, कैट और जॉय और एक कपल लेज और मेलकोन उसी गांव में आते हैं। वे सब भी अपने रास्ते से भटककर इस गांव में आ गए थे। उस फेस्टिवल के लिए टाउन का मेयर उनको फ्री में वहीं पर रहने और खाने के लिए ऑफर करता है। वे सब भी इस बात को मान जाते हैं और लेज और मेलकोन को होटल स्टाफ का एटीट्यूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ कोरी, नेल्सन और एंडरसन टाउन के खूबसूरत लड़कियों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। वे सभी ये डिसाइड करते हैं कि वे अब डिटोना बीच नहीं जाएंगे। यहाँ पर बकमैन और उसका बेटा डिसाइड करता है कि वे लोग किस विजिटर को अपने पास में रखेंगे। बकमैन के एक बेटे के अनुसार केट को हार्पर के हवाले कर देना चाहिए। हार्पर भी केट से मिलने गया था और केट तो पहली नजर में हार्पर को पसंद कर लेती है। केट हार्पर के साथ में लेक देखने के लिए जाती है। वो जाने से पहले रिकी केट को अपनी चेन देता है। इधर टाउन की एक ग्रैनी सबके लिए नींबू पानी लाती है और केट और हार्पर भी टाउन की दूसरी जगह पर टाइम स्पेंड कर रहे थे। केट की बॉडी पर बना हुआ टैटू हार्पर देख लेता है और वो केट को एक फार्म के अंदर ले जाता है और उसकी आंखों पर पट्टियां बांधकर उसके हाथ और पैरों को बांध देता है। कुछ देर के बाद में वो केट की आंखों से पट्टी हटा देता है और उससे बंधी हुई रस्सियां घोड़ों से बंधी हुई थी। हार्पर के उन घोड़ों को ऑर्डर देते हैं, वे घोड़े भागते हैं और उसी के कारण केट के हाथ पैर भी उखड़ जाते हैं और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। रात को डिनर पर बकमैन उनसे कहता है कि केट हार्पर के साथ में एंजॉय कर रही है और वो डिनर पर नहीं आ पाएगी। तब हम देख पाते हैं कि रिकी जो कि मीट खा रहा है वो किसी जानवर का नहीं बल्कि केट का ही मांस था। वहां पर हम केट का टैटू भी नोटिस करते हैं, लेकिन उन सबको ये बात पता नहीं थी। फिर कुछ देर के बाद में एंडरसन और जॉय क्लोज आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बकमैन और बाकी सब बाकी विजिटर का शिकार करने के लिए प्लान बना रहते हैं। कुछ देर के बाद में जॉय तो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन कोरी और एंडरसन गांव के कुछ लड़कियों के साथ में एंजॉय कर रहे थे। नेल्सन यहाँ पर अकेला पड़ गया था और तभी उसके पास में हाथ में बोतल लेकर एक लड़की आती है। दोनों रूम के अंदर जाते हैं और एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी वो लड़की बोतल से नेल्सन को एक लिक्विड पिला देती है जिसे पीकर नेल्सन का शरीर अंदर से जल जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। और हो सकता है कि शायद इस बोतल में एसिड हो। अब अगली सुबह नेल्सन के न मिलने पर कैरी और एंडरसन परेशान हो रहे थे। हार्पर उनसे कहता है कि कैट और नेल्सन एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसी समय ग्रेनी वहां पर आकर बॉयज और गर्ल को अलग अलग टीम बनाने को कहती है। इस तरफ एक आदमी मीट बनाने के लिए कैट की बॉडी को काट रहा था। दूसरी तरफ एंडरसन को हार्पर अपने साथ लेकर जाता है और कुछ लड़कियां कोरी को अपने पास रख लेती है। ली और जॉय को कुछ लड़कियां नहला रही थी और तभी एक लड़की जॉय को कहती है कि एंडरसन उसे ढूंढ रहा है।
जोय एंडरसन के पास जाती है और कॉरी कुछ बात से नाराज होकर हार्पर के पास चला जाता है। इधर दूसरी तरफ लिया और रिकी ग्रेनी और बाकी लड़कियों के साथ में डांस कर एंजॉय कर रहे थे और अचानक ग्रेनी एक बड़ी सी बॉल को लिया के ऊपर गिरा देती है जिससे कि वो वहीं पर दबकर मारी जाती है। रिकी डरकर वहां से भागता है लेकिन बकमैन उसे पकड़कर टाउन के लोगों के बीच में ले आता है। इस तरफ जॉय एंडरसन लीच और मेलकन को समझ नहीं आ रहा था कि उनके दोस्त गायब कहां हो रहे हैं और रिस्क न लेकर वे सभी वहां से निकलने का डिसाइड कर लेते हैं। तभी वहां पर बकमैन ग्रैनी और टाउन के बाकी के लोग आकर उनसे कहते हैं कि वे लोग फेस्टिवल के खत्म होने के बाद में यहां से जा सकते हैं। तब वे सभी एक घंटे बाद मिलने का डिसाइड करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बकमैन अपने लोगों से बात कर रहा था कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाने पर वे लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे और कैरी और जॉय देखते हैं कि बकमैन का बेटा उनके लगेज को चोरी करके ले जा रहा है। एंडरसन ग्रैनी को किचन में तो ले जाता है लेकिन खून के दाग के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है। फिर इस तरफ कुछ म्यूजिशियन मेलकन का हर जगह पीछा कर रहे थे। मेलकन उन्हें पीछा करने से मना करता है और तभी टाउन के लोग उसे पकड़कर एक जगह पर ले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जॉय को वहां पर एक रूम मिलता है और उस रूम में कई सारे जार्स थे जहाँ पर बहुत सालों से जुबली सेरेमनी का लेबल लगा हुआ था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले बकमैन का बेटा उसे पकड़ लेता है। अब एक टाउन की लड़की कोरी को भी पकड़ लेती है और यहाँ पर कार में उन सभी की चीजें एंडरसन को मिल गई थी लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का एंडरसन पर आकर वार करके उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय के बाद में एंडरसन को होश आने पर वो देखता है कि वो और जॉय बंधे हुए हैं। बकमैन उनको दिखाता है कि किस तरह उनके सारे दोस्तों को मारकर उनका मांस पकाया गया है। बकमैन एंडरसन को एक चांस देता है कि अगर वो जॉय को आजाद कर पाए तो वो दोनों वहां से जा सकते हैं। एंडरसन जॉय को आजाद तो करता है लेकिन टाउन के सभी लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। एंडरसन अपनी पूरी ताकत लगाकर उनसे लड़ता है और वो बकमैन को मारी डालता लेकिन वो अपनी जान की भीख मांगता है। तब एंडरसन जॉय को लेकर वहां से चला जाता है और पास के एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रिपोर्ट करता है। पुलिस वाला उनको फिर से उसी जगह पर लाकर कहता है कि वहां पर कई सालों से कोई भी टाउन नहीं है, वहां तो बस एक कब्रिस्तान है। सिविल वॉर के समय उस टाउन के लोगों को मार दिया गया था। और फिर एंडरसन जॉय बाइक पर बैठकर वहां से जा ही रहे थे कि रास्ते में एक तार से कटकर दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसी टाउन का एक घोस्ट लड़का आकर उनका सर अपने साथ में ले जाता है और इसी के साथ में ये मूवी यह प्रिंट होती है। दोस्तों सिविल वॉर के समय प्रेजेंट वैली गाँव के लोगों को बिना कारण के मार दिया गया था और इसीलिए गांव के लोगों को मुक्ति नहीं मिली थी और हर साल फेस्टिवल के समय उस गांव में जो कोई भी आता है वो उनसे बदला लेने के लिए उनका मांस खाकर खुद की आत्मा को शांत करते हैं। और इसीलिए जॉय को एक रूम में बहुत सालों से हो रहे फेस्टिवल के जार मिलते हैं जिनके अंदर हर साल शिकार किए गए हुए लोगों के मांस के टुकड़े थे। उनकी आत्मा कभी भी शांत नहीं होगी और इसीलिए मूवी के लास्ट में जॉय और एंडरसन भी उनके हाथों मारे गए थे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हर बार की तरह ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।